सबसे पहले प्रेगनेंसी पेशाब की जात में कंफर्म होती है, जिसे यूपीटी पॉजिटिव कहते हैं। जब ये महिला अल्ट्रासाउंड के लिए आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% हमें प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती है। जो गेस्टेशनल सैक होता है, जब हम ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो ऊपर से जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें हमें प्रेगनेंसी 6 वीक या 5 वीक्स की दिखाई देती है। परंतु जब हम ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर देते हैं, जिसे हम TVS कहते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी हमें आसानी से दिखाई देती है और सैक हमें गोल सैक, जो पानी की थैली होती है, गेस्टेशनल सैक, वो दिखाई देता है। और उसके अंदर हमें जो बेबी का पार्ट बनने वाला होता है, सबसे पहले जो पार्ट बनता है, जिसे योक सैक कहते हैं, वो भी दिखाई देता है। योक सैक हमें 4 वीक्स में ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है, और पर एब्डोमेन ये 5 वीक्स के आसपास, मतलब 1.25 महीने के आसपास ये दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में। तो जब एक बार योक सैक हमें दिखाई देता है, तो हम प्रेगनेंसी कह सकते हैं कि 100% कन्फर्म है, और प्रेगनेंसी सर्वाइव होने वाली है। 6 वीक पे बच्चे की बॉडी बनने लगती है और उसका पोल बन जाते हैं, अपर पोल और लोअर पोल बन जाते हैं। अब जो हम उसकी बच्चे की लेंथ लेते हैं, उसे हम CRL क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं, जो कि सिर से बटक्स तक की बच्चे की हाइट होती है। इसको हम मेजर कर लेते हैं और इस समय बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है, मतलब कि 6 वीक 3 डेज के आसपास बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है, और ये हमें अल्ट्रासाउंड में हम डिटेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को भी बच्चे की धड़कन सुनवा सकते हैं। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में तो ये 6 वीक पे डिटेक्ट हो जाती है, और पर एब्डोमेन जो ऊपर से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो 7 वीक्स पे बच्चे की धड़कन सुनाई पड़ जाती है। अगर 8 हफ्ते तक, मतलब कि 2 महीने तक बच्चे की धड़कन नहीं आती है, तो बच्चे के सर्वाइवल की चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चों की प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है और इन बच्चों का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, मतलब कि ऐसे बच्चे खुद ही अबॉर्ट होके निकल जाते हैं, क्योंकि इनमें जीन्स में डिफेक्ट होते हैं जिसका हम कारण बता नहीं सकते। ये मोस्ट ऑफ द टाइम इडियोफेटिक होता है। 8 वीक्स तक भी बच्चे की धड़कन नहीं आती है तो मिस कैरिज होने के चांसेस होते हैं, उनका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है। मेरे सामने ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट रखी हुई है, इसको मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ कि इस तरह से इस रिपोर्ट को समझना है। इसमें फर्स्ट लाइन लिखी है यूटरस इज बल्की एंड ग्रेविड, मतलब यूटरस साइज में थोड़ा सा बल्की, मतलब बड़ा हो गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से यूटरस साइज में इनलार्ज होने लगता है। सेकेंड लाइन में लिखा है एविडेंस ऑफ सिंगल मोबाइल फीटस, मतलब कि सिंगल मीन्स एक, मोबाइल मीन्स घूमता हुआ, फीटस मीन्स बच्चा, एक घूमता हुआ बच्चा यूटरस के अंदर है। थर्ड लाइन जो लिखी है उसमें लिखा है कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट, मतलब कि बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है। फोर्थ लाइन पे लिखा है डेसिडुअल रिएक्शन इज एडिक्युएट, मतलब कि जो डेसिडुआ, जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है तो उसके आसपास प्लेसेंटा बनने लगता है, अब नाल बनने लगती है, उसी को हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं, वो एडिक्युएट है, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में है। फिर फिफ्थ लाइन पे लिखा है प्लेसेंटा डेवलपिंग पोस्टियरली, मतलब कि प्लेसेंटा अब नाल पीछे की तरफ डेवलप होती है, प्लेसेंटा या तो एंटीरियरली बन सकता है या पोस्टियरली बन सकता है, इस वाले केस में प्लेसेंटा पीछे की तरफ बन रहा है। इसमें CRL लिखा है क्राउन रम्प लेंथ लिखा होता है कि बच्चे की लेंथ कितनी है, जो लिखा है मिलीमीटर में जो दी हुई है 13.3 मिलीमीटर दी है, और जो वीक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, एक अल्ट्रासाउंड मशीन में एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसे वीक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इसमें 7 वीक्स 4 डेज का बच्चा है हमारा। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब कि बच्चा कब पैदा होगा, वो दिया है 6/7/21 को बच्चा पैदा होगा। इसके बाद लिखा है फीटल हार्ट रेट 160 बीट पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में बच्चे का दिल 160 बार धड़क रहा है, तो ये फीटल हार्ट बीट हो गई बच्चे की। अब हम इम्प्रेशन पे आ जाते हैं। इम्प्रेशन पे लिखा है इंट्रा यूटेराइन, मतलब कि बच्चा अंदर है, सिंगल है, लाइव है, जिंदा बच्चा है और 7 वीक्स का है ये बच्चा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, लाल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आता है तब भी आप इस बटन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।